क्लास स्टार्ट करते बेटा 11th क्लास। 11th में टॉपिक हमने अभी तक कितना कर लिया था, हमने ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ऑपरेशन में हमने क्या बताया, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये टॉपिक बेटा। अब डिफरेंस जब भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, डिफरेंस जब भी आपको फाइंड करना है, तो जैसे ए आपको देखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 4। बी के अंदर एलिमेंट हो गए 3, 4, 5, 6, 7। ये है बेटा, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे जब से डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी आपसे पूछा गया, तो आपको कैसे मिलेंगे। अब जो कॉमन एलिमेंट है वो पहचान लो, कॉमन कौन कौन से है, 3, 4। ठीक है, 4। तो अब जो पहले एलिमेंट लिखा हुआ है उसके वही उसके एलिमेंट लिख लिया, लेकिन जो कॉमन है ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट जो कॉमन है वो नहीं लिखने है। तो 1 और 2 बस, इसको रीड कैसे जाएगा, ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर बी माइनस ए, तो बी पहले आ गया हमारा, बी पहले आ गया, तो बी के आपको एलिमेंट लिखने हैं, और वो एलिमेंट लिखने हैं जिसमें आपके कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5, 6, 7। तो ये है डिफरेंस बेटा, और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस में, जो कॉमन है बस वो माइनस कर देना, जो पहले लिखा हुआ है ए है तो 1, 2 आएगा, बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो आपका आएगा 5, 6, 7। ओके, अब इस चीज को बेटा वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ए माइनस बी को, ए माइनस वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम बनाएंगे, तो ये आपका यूनिवर्सल हो गया, इसके अंदर आपके दो सेट है बेटा ए और बी। ठीक है, अब आप सबको पता है ये तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारा कंप्लीट मिलकर क्या बनाएगा, ए यूनियन बी। अब इसके अंदर ये वाला मैं सेगमेंट बना देता हूं, ये सेगमेंट और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, और ये वाला इसको ऐसे सेगमेंट रीजन से बना देता हूं, ये है आपका बी माइनस ए। ठीक है, अकेला बेटा ये वाला पोर्शन यूनियन को छोड़ के, सॉरी इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के, इधर जो प्रेजेंट है ए और बी में, तो ये आपका कहलाएगा कितना बेटा, सारा ए माइनस बी, और इंटरसेक्शन को छोड़ के ये सारा आपका है बी माइनस ए। ओके, तो ये ध्यान रखें, ये आपका सेट वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया आपका डिफरेंस। इसके बाद जो हमारा इक्वेशन आगे टॉपिक बेसिक में क्या आता है, हमारा बेसिक में है हमारा अब स्टार्ट करते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट अब की बार सिलेबस से थोड़ा रिमूव किया गया, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्लीमेंट। जब की जब भी बात करेगा आपसे, तो कंप्लीमेंट में आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट जरूर मिलेगा, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सल छोटे सेट की बात कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ इतना भी हो सकता है बेटा, मैंने फिलहाल यूनिवर्सल को डिफाइन कर दिया, उसमें 5 ही एलिमेंट है, और उसके बाद मैंने लिखा एक सेट मेरा है वो है 2 और 3। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका 1, 4 और 5 ये आ जाएंगे आपके सारे। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको, ये यूनिवर्सल, ये आपका ए, तो इसके बाहर जितना भी, ठीक है, इसके बाहर जितना भी आपका ये है, ये ए डैश है, ये आपका कंप्लीमेंट है, सर्कल के बाहर जितना भी आपका वो ए कंप्लीमेंट है। ओके, इसके बाद हमारा क्या आएगा, कंप्लीमेंट हो गया। अब यहां से इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, प्रॉपर्टीज मेन है इसकी कंप्लीमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्लीमेंट ला पढ़ते हैं, ए और इसका यूनियन कर दिया ए के डैश के साथ,
इसको भी ले लिया और डैश वाले जो पार्ट है शेडेड रीजन उसको भी ले लिया, तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने ए इंटरसेक्शन ए डैश ले लिया तो दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी एलिमेंट इसके अंदर है, इसकी एलिमेंट इसके अंदर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहां से देख सकते हो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, तो फाइव। ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके कंप्लीमेंट ला, मेन जो ला है बेटा वो है डी मॉर्गन ला। ठीक है, डी मॉर्गन ला आपको देखने है सब बच्चों को। ठीक है, डी मॉर्गन ला एक सेट दे दिया बेटा ए। अब डी मॉर्गन ला क्या कहते हैं? डी मॉर्गन ला, ठीक है, डी मॉर्गन ला ए, दो सेट ले रखे हमने, दो सेट हमारे पास ए यूनियन बी। अगर मैंने इसका कंप्लीमेंट कर दिया तो क्या आएगा? इसका कंप्लीमेंट कर दिया तो ये आएगा बेटा ए डैश और बी के ऊपर भी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शन सिंबल चेंज हो जाएगा, या यूनियन है या इंटरसेक्शन आए, लेकिन डी मॉर्गन ला है। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी ये प्रेजेंट है, इसका कंप्लीमेंट, तो क्या आएगा? ये ए डैश, ठीक है, यूनियन बी डैश, ये दो ला है बेटा, ये कहलाते हैं आपके डी मॉर्गन ला। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये डी मॉर्गन ला, ये आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन ला के बाद बाकी जो छोटे मोटे ला बनते क्या है बेटा, वो यूनिवर्सल ला, जैसे फाई, फाई का कंप्लीमेंट किया तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल। कैसे याद रखोगे? जीरो खाली, उसको उसका उल्टा क्या होता है? भरा हुआ, जल्दी यानी कंप्लीट सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट यानी जो आपका पूरा फिल था उसको, उसका उल्टा क्या होगा? एम्प्टी। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखने बेटा, ये चीज आपस में ऐसे है। ठीक है, और इसमें आपके मेन प्रॉपर्टीज तो डी मॉर्गन हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, और ये आपस में सिंपल से दो हो गए कंप्लीमेंट वाले। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज अपनी निकालो, ये 1.5। ठीक है, 1.5 में आप अभी 5 क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है इनके वेन डायग्राम बना के दिखाओ, इन दोनों के वेन डायग्राम बना के दिखाओ, इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ, इसका वेन डायग्राम, ठीक है, इन दोनों, इसका वेन डायग्राम इसके इक्वल होगा, इसका, ये दोनों इक्वल ही बात है हमारी, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा। ठीक है, वेन डायग्राम किस चीज का बनाना है हमें? वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी इसका डैश और ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश। ठीक है, आपसे ये दे दिया तो भी आपको यही बनाना है, ये गिवन है तो इसका ही बनाना है, तो इसके दोनों के आप वो देखो बेटा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दो सेट लेने पड़ेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल यूनिवर्सल ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी इसका यूनियन, तो यूनियन कौन सा बेटा? यूनियन ये सारा रीजन यूनियन है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? यानी इस रीजन को छोड़ के बाहर का सारा, तो ये सेडेड रीजन, सारा का सारा सेडेड रीजन ए और बी से बाहर, ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट। ठीक है, दूसरे वाले का बनाए तो हम, दूसरे वाले का बनेगा तो ऐसे आएगा सेम, ध्यान से देखना बेटा, यूनिवर्सल एक तो ये बन गया आपका और एक ये। ठीक है, इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है? इंटरसेक्शन बेटा ये पार्ट है, इंटरसेक्शन। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए इसका कंप्लीमेंट, यानी इस रीजन को छोड़ के, इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी का सारा, तो बाकी का सारा तो बेटा इस रीजन को छोड़ के ये सारा। ठीक है, बीच में ध्यान से देखना, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैंने सेडेड नहीं किया है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट सेडेड नहीं करना, बाकी सारा आपको सेडेड कर देना है, ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट। ओके, तो इसके बाद बेटा हमारा मेन क्या आ जाता है इसमें प्रैक्टिकल, ये इतना ही बस। कंप्लीमेंट में आपको क्या क्या याद रखना है? कंप्लीमेंट के सारे ला, एक आप जैसे
अगर मैं पूछूं ए कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट तो वापिस ए आ जाएगा, ठीक है। या प्रूव कर सकते हो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके, ठीक है, ए कंप्लीमेंट उसका कंप्लीमेंट करोगे तो ये ए आ जाएगा, ओके। तो इतना ही आपको सीखना था, कंप्लीमेंट का बेसिक इतना ही है, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। सिंपल सिंपल आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कुछ भी नहीं है कंप्लीमेंट में। मेन जो टॉपिक है बेटा, मेन जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सेट का कंपटीशन में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और बेसिक नॉलेज होना जरूरी है सेट की, क्योंकि वो आपके हर फंक्शन में काम आएगा, ठीक है। डोमेन, रेंज, आगे जितने भी फंक्शन आएंगे उनमें आपको इन बेसिक की सेट का पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर ये आते हैं तो कंपटीशन में, नॉन कंपटीशन में क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर ज्यादातर आ जाते हैं आपको। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे ए, ए है आपका 1, 2, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3, ठीक है। तो इसको कार्डिनल नंबर बोला, तो 3 को कार्डिनल नंबर बोला जाएगा सेट ए का, ठीक है। अब ये चीज आ गई बेटा, इसके ऊपर हमने ए, हमारे दो फॉर्मूले आ जाते हैं प्रैक्टिकल फॉर्मूले, ए यूनियन बी। क्या होता है बेटा, ये तो होता है इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एन लगा दिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। तो ए में जितने प्रेजेंट है प्लस बी में कितने प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या जो कॉमन पार्ट था वो दो बार इंक्लूड हो गया है, माइनस कर दो बेटा उसको एक बार, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से नोट करो इसे, सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया आपका जो बेसिक में यूज होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं साइड में, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है बेटा, जब दो सेट गिवन है, दो डाटा आपको गिवन है तब ये अप्लाई होगा, तीन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो इसके लिए ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, टोटल कितना टोटल दे रखा है आपको, टोटल बेटा ये यूनिवर्सल भी हो सकता है और सेट से रिलेटेड बात जो करते हैं वो आपको आएगा इसमें ए यूनियन बी में, ठीक है। एक यूनिवर्सल आएगा जिसमें टोटल टोटल आएगा बेटा, ये यूनिवर्स है, ठीक है। एक ए में कितने प्रेजेंट है, बी में कितने प्रेजेंट है, और दोनों में बोथ, इसको बोथ में पढ़ा जाएगा, इंटरसेक्शन को बोथ में पढ़ा जाएगा, और इसको एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट जहां आपको वर्ड मिल जाए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, एटलीस्ट और इसको बोथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक और बेसिक है जो बता देता हूं मैं अभी, वैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। दो जिसमें खासकर एक एग्जाम्पल में टू का कराऊंगा, एक कराऊंगा मैं थ्री का, थ्री जब थ्री सेट गिवन होते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप अगर वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन टू वाला तो छोटा सा फॉर्मूला है, यहां अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, पहले थ्री एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 है जो में गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अब ग्रुप दे दिया बेटा 65 पीपल का, ठीक है, 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए क्या डिनोट करोगे, सी, क्रिकेट के लिए आप डिनोट करोगे सी, कितने लाइक करते हैं 40, ठीक है। और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो ये आ जाएगा क्रिकेट एंड टेनिस, एंड आया ना बेटा, एंड जब भी आएगा तो आप इंटरसेक्शन लगाओगे 10, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, आपको बताना है टेनिस कितने लाइक करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया था, 65 ग्रुप में कितने पर्सन है, 65, यानी आपको दे दिया है सी यूनियन टी, ये दे दिया बेटा 65, ठीक है, 65 ये टोटल दे दिया आपको, आपको बताना है हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, ठीक है।
तो पहले हम फाइंड करते हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने लाइक करते हैं, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे बेटा, फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो एम सी यूनियन टी इज इक्वल टू एम सी प्लस एम टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ओके ये चीज है बेटा। अब इसमें जो जो गिवन है वो निकाल लो, 65 एनसी 40 ये आपको पता नहीं, ये आपको फाइंड करना है, ये 10। तो यहां से क्या मिल जाएगा, जो टेनिस को लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं वो आपके आ जाएंगे यहां से, ये कितना हुआ 30, इधर आके इसमें से 30 माइनस कर दो कितना बचा 35 लाइक टेनिस। ठीक है, टेनिस को लाइक करते हैं 35। लेकिन इसमें आप पूछा है कितने आपको, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, यानी आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना है आपको, आप तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे, आप डिफरेंस मैंने पूछे तो टेनिस, यानी आपसे टेनिस पूछे तो टी आ गया आएगा माइनस सी, ये फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ओ टी माइनस सी, टेनिस अगर क्रिकेट बोला होता तो क्रिकेट आ गया जाता, टेनिस पीछे, तो इसमें आपसे बोला टेनिस ओनली, तो टेनिस के लिए क्या आएगा नंबर ऑफ टी। ओके, नंबर ऑफ टी माइनस टोटल में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये चीज अभी क्लियर कर देता हूं कैसे आया ये। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना आया 35, अभी नीचे हमने फाइंड किया था 35, और ये इंटरसेक्शन कितना आया, इंटरसेक्शन है आपका 10, तो 25 ऐसे हैं जो केवल टेनिस को ओनली टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, और ये क्या है जो इसमें वो भी इंक्लूड है जो टेनिस को भी लाइक करते हैं और क्रिकेट को भी लाइक करते हैं। ठीक है, तो 25 ये आंसर हो गए मेरा दो। अब ये चीज आई कहां से, जैसे हमने वेन डायग्राम बनाया था यूनिवर्सल ए और बी, ये ए है और ये बी है, ये सभी को पता है ये क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब पूरे ए में से, ठीक है, और ये क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला पार्ट ये इंटरसेक्शन, अगर पूरे ए में से मैं ये माइनस कर दूं इंटरसेक्शन तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एम ए माइनस बी। ठीक है, अगर आपसे बी माइनस ए पूछ ले तो बी माइनस ए तो क्या आ जाएगा, तो यहां पे जस्ट बी आ जाएगा, इंटरसेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूले थे आपके। एक दो क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, टू जो हमारे टू आपके सेट होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच 20 स्पीक स्पेनिश, एक कमेटी है, कमेटी में 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच फ्रेंच के लिए डिनोट किया मैंने है, कितने है 50, बी 20 लाइक स्पेनिश, सॉरी 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश के लिए मैंने डिनोट कर दिया है एस, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 10। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट ऑफ द टू, मैंने कहा था एटलीस्ट, जब भी आपसे एटलीस्ट बोलेगा तो एटलीस्ट के लिए आप क्या फाइंड करोगे, एटलीस्ट के लिए आप यूनियन फाइंड करोगे एफ यूनियन एस, तो ये फॉर्मूला सीधा से लगाओगे तो एन एफ ये 50, एन एस ये 20, और इंटरसेक्शन माइनस करना है कितना आया 60%। ठीक है, तो 60% ऐसे हैं जो आप एटलीस्ट वन लैंग्वेज को स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, वन लैंग्वेज आपके 60% आए। अब मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपका ऐसा जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें टू हमारे सेट आए। ठीक है, अब थ्री सेट का डाटा दे रखा हो, ठीक है, 3% का 3% की बात आ जाए, तो 3% के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा,
फॉर्मूला को पहले नहीं बेटा, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा पजल हो जाते हैं बच्चे, हम तो इजी वे से जाएंगे। ठीक है, वैसे फॉर्मूला बता देता हूं मैं, ए बी यू सी, यानी तीन सेट दे रखे हैं ए बी सी, इनका यूनियन क्या आएगा, एक तो बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ओके। उसके बाद जो दो दो के पेयर बनेंगे वो माइनस रखने हैं ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ओके। उसके बाद तीन का आएगा बेटा, तीन वाला ऐड करना है प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है बेटा, इसको रिमेम्बर रखना अपना, ठीक है। लेकिन हम इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे नहीं, मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं स्टेटमेंट साथ साथ बोलता जाऊंगा बेटा, उसको लिखता जाऊंगा मैं। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इन ए सर्वे 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एक पेपर है एच, ठीक है, न्यूज़पेपर, उसको कितने रीड कर सकते हैं 25, ठीक है, 25 रीड कर सकते हैं, ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी एन टी, टी पेपर को कितने कर सकते हैं 26, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई को रीड कर सकते हैं ये भी 26, ठीक है, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई कितने करेंगे बेटा 9, डाटा लिख रहा हूं सारा, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी कितने 11, ठीक है, एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई इसको ये दे रखा आपका 8, और 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, हमारे पास 3 न्यूज़पेपर है एच टी आई, उनको कितने करेंगे तो हमें दे रखा है एन ए, ठीक है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई ये दे रखा है बेटा हमें, ये कितना दे रखा है 3। सारा डाटा आपके सामने बेटा मैंने लिख दिया है, ये न्यूज़पेपर की बात चल रही है। अब जो इसने क्वेश्चन पूछा है वो देखो, फर्स्ट पार्ट पूछा है, ध्यान से सुनो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से, इस वाले पार्ट को तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, कितना आएगा 25 प्लस 26 प्लस 26, ओके, माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस का 8 प्लस का 3, ठीक है। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये देखो 20 28 28 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा हो गया, ये रह गया 24, ठीक है, ये आपका 49 प्लस 3 52 आंसर आ गया बेटा। तो 52 ऐसे हैं 60 में से, तो 60 क्या दे रखा था आपको, यूनिवर्सल दे रखा है, ठीक है, यूनिवर्सल दे रखा है 60 पीपल, उसमें से 52 ऐसे हैं जो एक कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हैं, 8 ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। दूसरा पार्ट जो इसने पूछा है, ठीक है, हम इसका वेन डायग्राम से इसको बता सकते हैं, वेन डायग्राम को देखो बेटा, वेन डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे, ये यूनियन हो गया आपका यूनियन, ओके, एक आपका एच दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं बेटा, ठीक है, बड़ा वाला फिगर देखो इसमें, जिसमें आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, यूनिवर्सल, एक तो आपका एच, ये एच है, उसके बाद ये आपका
टी और इसके बाद ये आपका है आई, ठीक है। जो 25 दे रखा है मैंने यहां लिख लिया 25, ठीक है। 26 ये 26 है और ये भी 26 है, ठीक है बेटा। वेन डायग्राम से देखो यहीं पे आपके आंसर आ जाएंगे। अब इसे बोला है एच एंड आई, एच और आई ये, यानी ये पूरा वाला पोर्शन, यहां से देखो बेटा ये पूरा कंप्लीट पोर्शन कितना देखा 9, लेकिन हम यहां बीच में लिख देते हैं 3 हमें क्या दे रखा है ये तीनों, तो 3 यहां ले लिया, ये पूरा कितना है 9, तो ये कितना रह गया 6, ये कितना रह जाएगा 6। एच और टी ये कंप्लीट दे रखा है आपको कितना है 11, 3 स्पेस से आपके चले गए, ये कितना रह गया 8, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ये कंप्लीट पोर्शन दे रखा था एच और टी का इंटरसेक्शन कंप्लीट दे रखे थे 11, ठीक है। ये 3 चले गए बाहर, 8 यहां पर है। टी और आई ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें है 8, तो 3 यहां पर है तो 5 यहां रह जाएंगे, ठीक है, 5 यहां रह जाएंगे आपके। अब बात करते हैं यहां कितने रहेंगे, 25 तो ए में टोटल है, सॉरी एक्स में, तो 11 और 6 17 तो यहां चले गए, यहां कितने बचेंगे 5, 8 यहां बचेंगे बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओनली एच न्यूज पेपर को कितने में रीड कर सकते हैं 8, 3, 11 और 5, 16, यह कितने बचे, जो 10% ऐसे हैं जो केवल टी न्यूज पेपर को रीड कर सकते हैं ओनली, ठीक है, ये ओनली में आ रहे बेटा। आई 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 न्यूज पेपर को कितने करेंगे ओनली, तो ये आएंगे 9 + 5, 14, तो ये रहेंगे 12, ठीक है। हमने सारे अपने डाटा फिल कर लिए, एक भी आपका ब्लैंक नहीं है। अब किसने पूछा था आपसे कितने पर्सन ऐसे हैं जो सारे एटलीस्ट 1 न्यूज पेपर को पढ़ेगा, तो इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। काउंट करो ये कितना आएगा 16, 8 और 8, 16 + 9 ये 9 बेटा, फिर 10 और 5, 15 +12, ये काउंट करके देख लो कितना आ रहा है। एटलीस्ट में बोलिए आपको ये अंदर जितने भी डाटा लिखे गए ये सारे, तो 25 और आपका 27, 52, ये मेरे भैया आया था हमारा 52, फॉर्मूले से भी 52 आया था, ये भी हमारा 52 आया है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो इससे कुछ है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज पेपर, जो केवल एक ही न्यूज पेपर को पढ़ सके, तो वो कौन कौन से बेटा, एक तो 8, 10 और 12 क्या जाएगा, जो एक ही न्यूज पेपर को रीड कर सकता है, सेकेंड पार्ट, एक ही न्यूज पेपर को 8 + 10 + 12 तो ये आ गया बेटा 30, ठीक है, ये आपका 30, तो ये अलग दो पार्ट पूछे थे आपसे, ये आ गया। इसके बाद बेटा ध्यान से देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, 3 वाला। एक पार्ट और देखो 3, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, 21, ठीक है, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड बी को प्रोडक्ट करने वाले 26 और सी को लाइक करने वाले, सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले हैं 29, ठीक है। हम टोटली इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूं बेटा, वेन डायग्राम यूनिवर्सल, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ए बी और सी, ठीक है। ध्यान से अब ये कह रहा है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले कितने पर्सन है 14, ए और बी ये वाला रीजन बेटा, ए और बी,
हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं जो तीनों का कॉमन है, ठीक है। ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये 14, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, ठीक है, 12 सी एंड ए, ये दे रखा है 12, 14 पीपल लाइक बी एंड सी, बी एंड सी, ये दे रखा है आपका 14, 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, हमें ये फाइंड करना था, तो तीनों में यहां पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा हमारा यहां पर। अब सारे डाटा फिल करते हैं हम, यहां पे ए को अप्लाई करने वाले 21, बी को 26 और सी को 29, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए और बी, ये कंप्लीट कितना दे रखा है, ये देखा 14, तो यहां कितना आएगा 6, ठीक है। उसके बाद सी इंटर ए और सी, ये पूरा दे रखा है 12, यहां कितने आएंगे 4। अब बी और सी, इन ये कंप्लीट दे रखा है 14, तो कितना आएगा यहां पे 6 बेटा, ठीक है। हम डाटा फिल कर रहे हैं अपने सारा, इसे पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सी ओनली, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। तो सी वाला पार्ट बेटा ये, यानी ये फाइंड करना है आपको। अब ये टोटल कितने है 29, ये तो सिंपल पहले वाले से आसान हो गया, ये 12, 8 और 4, 12 और 6 कितना हो गया 18। अब बेटा 29 में से 18 माइनस कर दो तो सी, 11 ऐसे हैं जो केवल सी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करना आप, तो जो भी डाउट हमें आए वो मुझे बता देना, ठीक है बेटा, थैंक यू।